बसपा नेत्री बहन मायावती प्रियंका गांधी वाड्रा पर हुई हमलावर। कहा 40% महिलाओं को टिकट देना कोरी नाटकबाजी। साथ ही सवाल भी किया कि इनकी रही सरकार में 33% महिला आरक्षण का कानून क्यों नहीं बनाया। आपको बता दें कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। आने वाले यूपी चुनाव में उनकी पार्टी 40% महिलाओं को पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी। इस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है व इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित, पिछड़े व महिलाएं आदि याद नहीं आती, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई है व उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी ही वाजिब व ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद व विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ व करना कुछ, जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने आगे कहा कि यूपी व देश में महिलाओं की आधी आबादी है तथा इनका हित व कल्याण ही नहीं बल्कि इनकी सुरक्षा, आदर सम्मान के प्रति ठोस व ईमानदार प्रयास, सतत प्रक्रिया जिसके प्रति मजबूत इच्छा शक्ति जरूरी, जो कांग्रेस व भाजपा आदि में देखने को नहीं मिलती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है। जैसा कि गौरतलब है कि यूपी में बनी बसपा की 2007 से 2012 तक की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा एवं उन्नति के लिए बहन कुमारी मायावती ने भरकस प्रयास किए थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने चुनाव आते देख महिला कार्ड खेला। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।